मैं मुल्तान सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन, बनवारी राजेंद्र कॉलेज तोशाम, विषय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। मैं शारीरिक शिक्षा विषय के जो भी बीए फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और जिनका सिलेबस 2 यूनिट हो चुकी हैं और तीसरी यूनिट हमारी है संक्रामक रोग। इस यूनिट में जो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा संक्रामक रोग क्या है और उसके लक्षण क्या है। इससे पहले मैं सभी छात्रों को बताना चाहता हूँ कि संक्रामक रोग की जानकारी लेने से पहले हमें ये देखना है कि स्वास्थ्य क्या होता है। हम जो संक्रामक रोगों से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सावधानी रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं? वो हम ये चाहते हैं कि जो अच्छा स्वास्थ्य हमारा बना रहे और उस पर किसी प्रकार की कोई कमजोरी या अस्वस्थता महसूस ना करें, हम किसी रोग से ग्रस्त ना हों। ये सभी बातों को देखते हुए हमें संक्रामक रोगों के बारे में जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी होती है। संक्रामक रोग हमारे लिए उनके जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लग जाते हैं, जिनको हम छूत के बीमारी भी कहते हैं। हमारे देश के अंदर इस प्रकार की बहुत सारी रोग एवं बीमारियां फैल रही हैं। अभी आप हमारा देश एवं पूरा संसार एक अन्य बीमारी जिसका नाम कोरोना है, जो छूत की बीमारी है, संक्रामक रोग है, ये रोग भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। आप सभी न्यूज़पेपर के माध्यम से एवं टीवी के माध्यम से उसकी सावधानियों के बारे में भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमें इनसे बचना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए। ये भी छूत की बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के टच करने पर, छूने से, सांस लेने से, एक दूसरे व्यक्ति के छींकने से ये फैल रही हैं। हमें उसी प्रकार से इसके साथ साथ अन्य जो बीमारियां हैं, रोग हैं, जो छूत के रोग हैं, उनसे भी किस प्रकार से सावधानी रखनी है, ये बहुत ज़रूरी है। संक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगते हैं, उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं, छूत के रोग कहते हैं। तो इसके लिए हमें, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। जैसे कोई बीज अगर हम बोने के लिए, उगने के लिए उपजाऊ ज़मीन पर डालते हैं, तो वो ज़मीन पर वो जाम जाता है, उग जाता है। उसी बीज को अगर हम एक चट्टान के ऊपर डालते हैं तो वो बीज उगता नहीं, क्योंकि उसको उपजाऊ होने के लिए स्थान चाहिए, उपजाऊ ज़मीन चाहिए, उपजाऊ जगह चाहिए उसको। लेकिन उसी प्रकार से छूत का जो रोग है, संक्रामक जो रोग है, वो उसके विपरीत है। संक्रामक रोग उस व्यक्ति को लगता है जो व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है और जो व्यक्ति
कमजोर के साथ साथ शारीरिक कमजोरी के साथ साथ मानसिक कमजोरी भी उसकी देखी जाती है, मानसिक रूप से भी कमजोर होता है। ये दोनों चीज़ें अगर जिस व्यक्ति के पास में होती हैं, शारीरिक कमजोरी और मानसिक कमजोरी, उस व्यक्ति को कोई भी बीमारी अधिक लगती है, ज़्यादा होती है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने आप को एक कमज़ोर नहीं बनाना है, हमें अपने आप को मजबूत रखना है। और इस मजबूत के लिए, अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए, हमारे शरीर के अंदर लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं ये होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में प्रतिरोधक शक्ति का काम करती हैं, और ये दोनों का होना बहुत जरूरी है। प्रतिरोधक शक्ति जिस व्यक्ति में कम होती है, उस व्यक्ति में छूत का जो रोग है, संक्रामक जो रोग है, वो जल्दी आ जाता है, जल्दी लग जाता है, और उसको उसका उपचार करने में हमें बहुत समय लगता है। इसी प्रकार से आज आप जो कोरोना जो बीमारी है, कोरोना वायरस जो है, उसके बारे में भी आज आप टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपरों के माध्यम से जो डॉक्टर अलग अलग राय जो दे रहे हैं, वो हमें बताते हैं कि ये एक छूत की जो बीमारी है, संक्रामक जो रोग है, ये बीमारी उन व्यक्तियों को लगती है जैसे कोई बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कम आयु के बच्चे हैं, वो भी कमज़ोर होते हैं शारीरिक तौर से। उसके साथ साथ 60-65 साल का जो व्यक्ति होता है, बुजुर्ग जो व्यक्ति होता है, वो भी शारीरिक तौर से कमज़ोर होता है, उसमें भी प्रतिरोधक शक्ति कम होती है, उन व्यक्तियों को ये बीमारी जल्दी लग जाती है। तो हमें अपनी जो प्रतिरोधक शक्ति है उसको अच्छा बनाना चाहिए, और ये बनाने के लिए जो हमारे पास अन्य जो संसाधन होते हैं, चाहे वो व्यायाम होते हैं, चाहे वो हमारा खान पान है, हमें इनका पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। संतुलित आहार हमारा है जो, हमें वो लेना चाहिए। ये चीज़ें हमारी बहुत ज़रूरी हैं स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि संक्रामक रोग हमारे ऊपर जब भी हैवी हो सकते हैं, जब हमारे अंदर कोई कमज़ोरी होती है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको ये बताया था कि चट्टान के ऊपर अगर बीज डालते हैं तो वो उगता नहीं है, क्योंकि और उपजाऊ ज़मीन पर बीज डाल देते हैं तो वो उग जाता है। प्रतिरोधक शक्ति जो हमारी है वो अगर अच्छी है तो वो बीज उग जाएगा। प्रतिरोधक शक्ति हमारी कमज़ोर है तो बीज उगेगा नहीं। बीमारी हमारी प्रतिरोधक शक्ति के अनुसार होती है। हमारी लड़ने की जो क्षमता होती है, बीमारी से लड़ने की क्षमता अगर हमारी मजबूत है तो हम स्वस्थ रहेंगे, उस बीमारी से, उस रोग से जल्द ही उसका निवारण कर लेंगे, जल्द ही उसका उपचार हम कर लेंगे। ये था संक्रामक रोग। अब इसके अंदर संसर्ग रोग, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष रोग, ऐसे रोग जो हमें सीधा सीधा, जिसका संपर्क आने पर वो बीमारी फैल जाती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर जिसको हम प्राप्त करते हैं ऐसे रोग को। ऐसे रोगों में जैसे कि जुकाम है, खांसी है, दाद खुजली है, खसरा है, तपेदिक जैसे बुखार हैं, ये ऐसी बीमारियां हैं छूत की जो हमें प्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से टच करने पर, छूने पर मिलती हैं।